रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड एक्सरसाइज नंबर 7। एज यू नो, यस्टरडे वी हैव रेड अबाउट द यूज ऑफ वाज एंड वर। बिफोर ट्रांसलेटिंग दीज Hindi sentences into English sentences, we should know the use of was and were. Once again, lesson number 7, was and were affirmative sentences. Dear students, yesterday we have told you, we have informed you, and you have learned that each and every sentences has each and every tense has 3 sentences. One of them is affirmative sentence, second negative sentence, and interrogative sentence. Under this lesson, lesson number 7, our lesson number 7 tells us about the use of was, were in the sentences of affirmative. And you have read model sentences. Main nirdhan tha, I was poor. Richa mitr thi, Richa was my friend. Ladke prasann the, the boys were happy. Ve khiladi the, they were players. Now in the box, here is written the rule and regulation of was and were. Dear students, see carefully these rules and regulations about was and were. After reading and remembering these rules and regulations, we will translate these Hindi sentences into English very easily. So, अनुवाद के नियम, the rule of translation, इस प्रकार के वाक्यों में था थे थी का अनुवाद वाज वर करो. Like these sentences, the translation of था थे थी will be in English in was and were. In which place we will use was and in which place we will use were. Dear students, see carefully in two rule. We will use was for I, for he, for she, for it, for this, that, and for singular name. I mean, if our subject is singular, so we will use was for singular subject. And if our subject is plural, like we, you, they, boys, players, so in this condition, in this situation, we should use were. In short, we can say for singular subject is was, and for plural subjects is were. Now come here and translate exercise number 7. निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद नीचे दिए स्थान पर लिखो. Write the translation of following sentences in coming place. लता अच्छी लड़की थी. अजीज तलबा, आपने कल सबक नंबर 7 के तहत वाज और वर का इस्तेमाल देखा था, और आपको यह बताया गया था कोई भी टेंस हो, उसके सेंटेंसेस जो जुमले होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. फिर इंट्रोगेटिव में नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों आ जाते हैं, नेगेटिव अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव में दोनों आ जाते हैं. तो इस तरीके से 4 किस्म के सेंटेंसेज हो जाते हैं 5 के, चूंकि एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंट्रोगेटिव, ये 3 मुस्तकिल हैं, और फिर इंट्रोगेटिव में अफर्मेटिव भी आ जाता है, नेगेटिव भी आ जाता है.
और आपको ये भी बताया गया था कि अगर आपका सब्जेक्ट वाहिद है तो उसके लिए वाज वर्ब इस्तेमाल होगा, और अगर जमा है तो उसके लिए वर्ब इस्तेमाल होगा। इस कायदे को जानने के बाद एक्सरसाइज नंबर 7 करना है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद नीचे दिए हुए स्थान पर लिखो, या नीचे जो खाली जगह आप देख रहे हैं इसी पर लिखने के लिए मुतालबा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहां पे ये जो हिंदी वाक आ रहे हैं इनकी इंग्लिश लिखनी होगी। चलिए, लता अच्छी लड़की थी, क्या लिखेंगे? हाँ, बहुत अच्छे। लता वाज अ गुड गर्ल, लता वाज अ गुड गर्ल, लता एक अच्छी लड़की थी, या लता अच्छी लड़की थी। अकबर एक राजा था, क्या बनाओगे? हाँ, बहुत अच्छे। अकबर वाज अ किंग, वे लड़के लंबे थे। लड़के है ना, दोज बॉयज वर टाल, वे लड़के है ना, दूर वालों को बता रहे हैं, वे लड़के लंबे थे, तो दोज बॉयज वर टाल। ठीक है, कल रविवार था। ट्रांसलेशन कीजिए। कल रविवार था। रविवार समझ रहे हो किसे कहते हैं? संडे को बोलते हैं रविवार। चलिए, हाँ, एस्टरडे वाज संडे, बहुत अच्छे। कल रविवार था, लड़के स्कूल में थे। हाँ, द बॉयज वर इन द स्कूल, द बॉयज वर इन द स्कूल, लड़के स्कूल में थे। गोपाल गरीब था। हाँ, गोपाल वाज पुअर, कल छुट्टी थी। छुट्टी की होलीडे आती। हाँ, एस्टरडे वाज होलीडे, तुम्हारा भाई बीमार था। सिक, ठीक है, योर ब्रादर वाज सिक, या योर ब्रादर वाज इल, बहुत अच्छे। ठीक है, तो ये कौन से सेंटेंसेस है बताइए? अफर्मेटिव के हैं। किसके हैं? अफर्मेटिव के हैं और पास्ट टेंस के हैं। वाज है ना, वाज पास्ट के लिए आते हैं। अब यहां देखिए, कुछ मुश्किल अल्फाज लिख दिए हैं जिनकी, जैसे अच्छी की अंग्रेजी गुड, लड़की की गर्ल, राजा की किंग, लंबे की टाल, और होलीडे छुट्टी की होलीडे, तुम्हारा की योर, भाई की ब्रादर। या अब इसके बाद में ये, यानी हिंदी से अंग्रेजी में एक एक्सरसाइज करवाई है, अब इंग्लिश का दे रहे हैं उसका हिंदी में उसको करना होगा। देखिए यहाँ क्या बताया है, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अनुवाद नीचे दिए हुए स्थान पर लिखो। चलिए, शी वाज रिच। क्या बनाओगे? शी वाज रिच, हाँ, वो मालदार थी, वो अमीर थी। ठीक है, इट वॉज अ बुक, चलिए, हाँ, ये एक किताब थी। द बॉयज वर हैप्पी। खुश थे। ठीक है, इट वॉज हिज पेन, इट वॉज हिज पेन। चलिए, नहीं, ये उसका कलम था। इट वॉज हिज पेन, ये उसका कलम था। गोपाल वॉज माई फ्रेंड, गोपाल मेरा दोस्त था, वॉज है ना। चलिए, अमीर रिच और हैप्पी पर्सन, फ्रेंड मित्र दोस्त। तो अब ये हो गया। अब इसके बाद में हमें लेसन नंबर 8 देखिए, 8 को पढ़ना है। इस लेसन में हमने अभी बताया था कि हर टेंस के जो जुमले होते हैं
तीन बुनियादी तौर पे, एक अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव। तो अब ये देखिए नेगेटिव का, यानी पास्ट के नेगेटिव का बताने जा रहे हैं वाज वर का इस्तेमाल ऐसे जुमले में कि नेगेटिव हो। तो देखिए आदर्श वाक, मॉडल सेंटेंसेस, हिंदी वाक, फिर अंग्रेजी वाक, मैं निर्धन नहीं था, आई वॉज नॉट पुअर, वो मेरा मित्र नहीं था, ही वॉज नॉट माई फ्रेंड, लड़के प्रसन्न नहीं थे, द बॉयज वर नॉट हैप्पी, वे खिलाड़ी नहीं थे, दे वर नॉट प्लेयर्स। ठीक है, अब इसका नियम बता रहे हैं, बहुत आसान है अनुवाद के नियम। इस प्रकार के निषेधात्मक वाक्यों, निषेधात्मक बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को, ठीक है, निषेधात्मक वाक्यों किसे कहेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में क्या कहेंगे, मनफी जुमले, क्या कहेंगे, हाँ मनफी जुमले। तो इनका तर्जुमा करते वक्त वाज वर के बाद नॉट लगाओ। उदाहरण एक से चार देखो, देखिए नॉट को कहां लाना, वाज वर के बाद लाना। जैसे मैं निर्धन नहीं था, आई वाज नॉट पुअर, मैं गरीब नहीं था, वो मेरा मित्र नहीं था, ही वाज नॉट, अब देखिए वाज के बाद नॉट आ रहा, माई फ्रेंड, वो मेरा मित्र नहीं था, लड़के प्रसन्न नहीं थे, द बॉयज वर नॉट हैप्पी, लड़के खुश नहीं थे, वे खिलाड़ी नहीं थे, दे वर नॉट प्लेयर्स। ठीक है, अब ये कह रहे हैं नंबर दो में वाज वर का प्रयोग सातवें पाठ में दिए हुए नियमों के अनुसार करो। सातवें पाठ में ये बताया गया था कि वाज का इस्तेमाल सिंगुलर फाइल है तो उसका उसके साथ वाज, और जमा फाइल है तो उसके साथ वर का इस्तेमाल होगा, यही चीज इसमें बताया है। और फिर एक्सरसाइज नंबर आठ और करके लाना है कल आप लोगों को, यानी शनिचर को, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद आगे दिए हुए स्थान पर लिखो। उसकी बहन मोटी न थी, राम खट्टे नहीं थे, राम विद्यार्थी नहीं था, ठीक है, मोहन अमीर नहीं, मोहन बीमार नहीं था, न था, मेरी गाय काली न थी, तुम कमरे में नहीं थे, वो घड़ी मेरी न थी, तुम मेरे मित्र नहीं थे। सहायता, उसकी हेयर मोटी फैट खट्टे सौर, ठीक है, विद्यार्थी स्टूडेंट, सिक बीमार, ब्लैक काली, रूम कमरा, वाज घड़ी, फ्रेंड मित्र। अब ये नीचे दे रहे हैं निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अनुवाद नीचे दिए हुए स्थान पर लिखो। दिनेश वाज नॉट अ रिच मैन, दे वर नॉट माई फ्रेंड्स, यू वर नॉट पुअर, ही वाज नॉट अ प्लेयर, इट वाज नॉट हिज इंक पॉट। ठीक है, सहायता रिच धनी अमीर, पुअर गरीब, प्लेयर खिलाड़ी। अजीज तलबा, ये लेसन नंबर आठ की जो एक्सरसाइज है इसको बना के लाना है और इस कायदे को याद करके जहन में बिठाना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।